नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्भट न्यूज। खबर कैमूर से है। परीक्षार्थी जब एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुंचे तो उनके जूता मोजा और घड़ी को खुलवा लिया गया, जिसको लेकर परीक्षार्थियों ने रोष देखा गया। परीक्षार्थियों ने बताया कि ठंडी का मौसम है, ऐसी हालत में जूता चप्पल उतरवा लेना ठंड लग रहा है। यहाँ तक कि हाथों की साधारण घड़ी को भी शिक्षकों द्वारा उतरवा लिया गया है, लेकिन किसी क्लासरूम में घड़ी नहीं लगाई गई है। हम लोगों को समय नहीं पता चल पाएगा कि कितना समय और बचा है। वहीं विद्यालय के शिक्षक बताते हैं कि बोर्ड की तरफ से गाइडलाइंस मिला है कि जूता मोजा और घड़ी नहीं पहन के आना है। ऐसा एडमिट कार्ड में परीक्षार्थियों को लिखा होने के बावजूद लोग पहनकर आए हैं, तो बोर्ड के नियमों का पालन करना हमारा काम है, इसलिए बच्चों को जूता मोजा और घड़ी उतरवाया जा रहा है। कि ठंडी के दिन है, ठंडी के दिन में जूता हम लोग खोल कर जा रहे हैं, सर्दी लग रही है, ठंड लग रही है, देख रहे हैं तो पैर जो घर नंगे पर जा रहे हैं हम लोग। मोबाइल मोबाइल सर बाहर रखा गया है। एक आदमी को बोलने हाँ बताइए फिर। और सर यही है प्रॉब्लम। क्या क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं? मेरा घर तो यही है, कुशौली से हम आए हैं। हाँ, क्या करने आए हैं आप? एग्जाम देने आए हैं। किस चीज़ का? स्टेट का। क्या नाम है आपका? रविंद्र पासवान। निकलवाने का क्या मकसद, मतलब मकसद है कि यह बोर्ड जो ने निर्देश मुझे दिया है और इन लोगों के एडमिट कार्ड पर निर्देशित किया गया है कि आप सदा चप्पल पहन करके आना है, इसलिए निकलवाया जा रहा है। मतलब परीक्षा में चोरी को लेकर के? ऐसा नहीं। हाँ, चोरी के लेकर के कि हो सकता है जूता में रखे हों, कहीं रखे हों, इसलिए यह चोरी रोका जाए। मतलब कदाचार मुक्त परीक्षा? हाँ, कदाचार मुक्त परीक्षा हो। घड़ी का क्या मामला बता रहे? घड़ी है, साधारण घड़ी अभ्यर्थी पहने हुए थे, उनको निकलवा दिया गया। या तो आप क्लासरूम में हर एक क्लासरूम में घड़ी टंगवाएं, ताकि अभ्यर्थियों को समय के बारे में जानकारी होता रहे कि इतना टाइम बचा हुआ है, तब घड़ी अभ्यर्थियों की साधारण हाथ से निकलवाया जाए, कलाई घड़ी। बस और सब ठीक है। क्या नाम है आपका, कहाँ है, किस चीज़ का परीक्षा देने? विनीत कुमार राय मेरा नाम है और मैं आया हूँ बिहार स्टेट का एग्जाम देने।